बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो आग लगाई थी तुमने उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं जीने की तमन्ना कौन करे। दिलारा, मैंने तुम्हें चौंका दिया ना। तुम्हारी मुंह दिखाई हमारा खानदानी जेवर है, आज से ये सब कुछ तुम्हारा है दिलारा। ये घर, ये खानदान, मैं नवाब सलाहुद्दीन। कबूल करो, शादी मुबारक। आज तुम्हारे अब्बा जी जिंदा होते तो कैसे भाग भाग के खातिर करते तुम्हारे ससुराल की। गरीब ने हमेशा अपनी हिम्मत से बढ़कर इस्तकबाल किया उनका। तो जब अब्बा जी नहीं है तो क्यों कह रही हैं आप ये सब? क्यों? आज तेरे अब्बा जी नहीं है तो जमाने की रीत रिवायत छोड़कर इज्जत ही ना करूं मैं लड़के वालों की? 10 दिन हुए अभी उनको गुजरे हुए, पर मैं अपने कदमों पर खड़ी हूं ना। हो जाएंगे खड़े, संभाल लेंगे हम अपने। जब बब्बा जी को गुजरे हुए 10 दिन हुए हैं मुश्किल से, तो ये कोई मौका था कि आपने मेरी ससुराल को चाय पे बुला लिया? 100 मसलहतें होती हैं दिलारा, 100 मसलहतें होती हैं। हम पर कयामत गुजरे सो गुजर जाए, लेकिन वो लड़के वाले हैं और हमें हाजिर होना है उनकी खिदमत के लिए हर वक्त, चाहे हम कितने ही जख्मी क्यों ना हो, कितने ही टूट ना गए हो। क्यों, किस लिए, ये कहां की मसलहत है? उन्हें तो तौफीक तक ना हुई कि आके हमारी खबर पूछ लेते। 3 रोज के बाद से गायब है, मैं फोन करती हूँ तो बन जाता है, ऐसे जैसे नंबर चेंज कर लिया, और ऐसे में आपने उन्हें चाय पे बुला ली। इसीलिए तो बुलाया कि ये जो ताल्लुक तोड़ के बैठ गए हैं, अगर कोई ऊंच नीच है, कोई नाराजगी है तो हाथ जोड़ के मना लूं मैं उन्हें। क्यों मना लेंगी, किस लिए? तेरे लिए दिलारा, तुझ बदनसीब के लिए। कुछ नहीं है हमारे पास अब उन्हें देने के लिए, अब तो बस उनके पैर पकड़ कर ही तुझे रुखसत करना होगा। क्या मतलब? मेरा मुंह ना खुलवा, मेरा दिल पहले ही टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कुछ नहीं है अब हमारे पास, ना सर पर आसमान है ना पैरों तले जमीन। तेरे अब्बा जी को कजा आ गई,
वरना तो ब्याह के अपने ससुराल ना चली गई होती। बस मैं उनको यही कहूंगी कि इस जुम्मे आकर रुखसत करा के ले जाएं। कितना बोझ हूं मैं आप पर। अभी तो अब्बा जी की कब्र की मट्टी भी गीली है, ऐसे में आप मुझे रुखसत कराने की बात करें? मैं अभी मना करती हूँ। खुदा के लिए, खुदा के लिए ऐसा मत करना। तेरा अब्बा तेरी वजह से इस दुनिया से चला गया, अब क्या मैं उसकी मौत को भी रहेगा जाने तू? मुझ पे और तुझे यतीम पर रहम खा के तुझे बिना जहेज के रुखसत करके ले जाए तो, वरना 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 80 लाख मांग रहे थे नकद, जहेज अलग। कह रहे थे कि मोहसिन की पढ़ाई के लिए जो कर्जा उठाया वो लौटाना है उन्होंने। तेरे अब्बा जी को साफ साफ बता दिया था उन्होंने कि नकद पैसे होंगे। तो बार आता है कि वकील साहब यही कहे जाते थे कि जहरा दिलारा को इसकी भिनक ना पड़े, उसका दिल टूट जाएगा। बहुत मोहब्बत करती है वो मोहसिन से, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, बेच दूंगा अपने आप को। बस कहना हमेशा के लिए। उनकी जान की कीमत में तेरी रुखसती हो जाए तो आखिरत के रोज वो कितने खुश होंगे मुझसे। सारी रौनक उन्हीं के दम से थी, वो थे तो आठों पहर यहाँ कचहरी लगी रहती थी। अब यहाँ खाक उठती, सारा मेला खत्म हो गया, दुनिया ही बदल गई। जो लोग उनका दम भरते थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और आप लोग जैसे छुप गए। मोहसिन को भी मैं पूरे 9 दिन के बाद देख रही हूँ। डॉक्टर हैं, मसरूफ हो गए होंगे, डॉक्टर की जिंदगी भी तो बहुत मुश्किल होती है, यही बात मैं समझा रही थी दिलारा को। वकील साहब जैसा आदमी लाखों में एक होता है। 2-3 मुलाकात के बाद मैं तो उनका गविदा हो गया था और मरते दम तक रहूंगा। बड़े फयाज आदमी थे, रुपए पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं थे, क्या क्या अरमान थे, लेकिन जो मुकद्दर में होता है वही होकर रहता है। जो हुआ वो तकदीर में था। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी एक अमानत मेरे पास, किसी भी रोज 4 लोगों को ले आए और ले जाएं। मेरे नसीब में नहीं था कि दिलारा जैसी लड़की मेरी बहू बनकर आती। अब आपसे क्या कहें, आप तो यही समझेंगी ना कि अकबर भाई के जाते खुदा ना खास्ता हम पीछे हट रहे हैं। वाह खुदा ऐसी बात नहीं, दिलारा जैसे आपकी बेटी वैसे ही हमारी बेटी। दरअसल वो मोहसिन के अब्बू। दरअसल बात ये है कि मेरी बहन जो अमेरिका में होती है आजकल अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आई और मोहसिन को बहुत पसंद किया है। वो चाहती है कि मोहसिन को अमेरिका ले जाए और कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट उससे करें और सारा कर्जा भी चुका दे। मोहसिन, अरे ये क्या कहेगा भला, ये तो बड़ा फरमाबरदार बेटा है, हमारे कहे पे चलता है। मैंने ही कहा था इससे कि दिलारा से रابطہ बंद कर दो, बात फौरन ही समझ गया। आप परेशान ना हो, अगर अकबर भाई रकम का इंतजाम कर गए तो हमने वहाँ कौन सी हाँ कर दी है। 6 साल पुराने मुरासिम है और मोहसिन आपका बेटा है, और यूं थोड़े ये कि अकबर भाई के जाते ही हम खुदा ना खास्ता यहाँ रिश्ता खत्म करने आए। रिश्ता आप क्या खत्म करेंगे, रिश्ता तो मैं खत्म करूंगी।
मुझे लगता था मेरी बाप की मौत रायगांव गई, मगर वो तो मरते मरते मुझे तुम जैसे लालची इंसान से बचा गए। गम बस इस बात का है कि अगर वो मुझे अपनी जिंदगी में ये बात बता देते तो मैं तभी तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मरती। सब कुछ खत्म करके यहां मुंह छुपा के बैठी हुई है अंधेरे में, मरने वाला तो जान छुड़ा के भाग गया, तू मुझे जिंदा रहते रहते मारेगी? क्या जरूरत थी ये तमाशा करने की? मैं अभी मिन्नत समाजत करती, हाथ पैर जोड़ती, मेरी बेवगी का कुछ लिहाज वो करते, मान जाते। बात उनके मानने की नहीं है मो, बात अब मेरे मानने की। वाह वाह वाह, नखरे तो देखो, हाथ में कुछ है नहीं और दिमाग आसमान पर। ए, यहां तो कोई बाप और भाई की नहीं सुनता, तुम दो लड़कियों का क्या होगा, वो भी यतीम, कौन ब्याह करेगा? तो ना करे। हाँ, सारी जिंदगी मेरे सीने पर मूंग दलती रहना। तेरा ब्याह नहीं होगा तो छोटी का कहां से हो जाएगा? अरे बाप सर पर है नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, ब्याह से चार दिन पहले ये नहुसत फैल गई, 6 साल की मंगनी ब्याह होते होते टूट गई, ना तुझे कौन पूछेगा? कोई रंडवा, कोई बाल बच्चों वाला, कोई दुगनी उम्र वाला, कोई दोहाजू, तुझ पर कोई अपनी गरज को तरस खा ले तो खा ले। अगर मैं आप पे बोझ हूं तो मुझे कबूल है, रंडवा, बाल बच्चों वाला, उम्र में दुगना, मुझे कबूल है, कबूल है, मगर अब मोहसिन मुझे कबूल क्या मतलब? मतलब ये कि ये शादी का जोड़ा है जो तुम जब ही देखोगे जब मैं पहनूंगी। ये क्या पुरानी सोच है भाई, मुझे पता होना चाहिए तुम क्या पहन रही हो। सरप्राइज है जनाब। बहुत ही स्टूपिड बात है, दिखाओ जरा, देखूं तो तुम पर ये रंग सूट भी करेगा या नहीं। भागो यहाँ से। भागल मोहसिन, हम और छोटी आते होंगे अभी, तो आ जाएं, मुझे किसी का डर है, अपनी दुल्हन से गप मारा। होने वाली दुल्हन से, जुमला दुरुस्त करें। क्यों? तुम मेरी दुल्हन हो बस। हुई नहीं हो अभी दुल्हन, होने वाली। बकवास, तुम मेरी दुल्हन हो बस, हमेशा से थी। और अगर मुझे कोई और पसंद आ गया तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा, तुम्हें भी। चलो चलो, मुझे कोई पसंद आया तो ब्याह कर चली जाऊंगी उसके साथ, तुम मुंह देखते रह जाओगे। अच्छा, जाकर तो दिखा। ठीक है। अल्लाह मोहसिन, दुखता है। हाँ दुखता है जब तुम ये बकवास करती हो तो। लो करती बच्चे गुम, देख ली अपनी दुल्हन दुल्हन के रूप में। गुलाबी जोड़ा क्यों बनवाया? क्यों? मेरी नजर लग जाएगी पागल। नजरे बद्दू सदा सुहागन हो,
नूरन, दालान की सफाई हो गई या नहीं? उठ गई दिलारा? सलाहुद्दीन तो सुबह सवेरे ही चले गए, कह रहे थे कि कोई जरूरी मीटिंग है। अब दफ्तरी मामलात में सफर तो करना ही होता है। तुम्हें शायद बुरा लगे कि शादी के पहले ही रोज दूल्हा बिना बताए चला गया, मगर क्या करें। अब तुम्हारी तो पहली शादी है, बहुत सारे अरमान, बहुत से चाव होंगे। मर्द तो पहली शादी पर इतने चाव नहीं करते, और सलाहुद्दीन की तो ये खैर दूसरी शादी है। मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी इसलिए जगाया नहीं। फिर ख्याल आया कि खाली कमरा और नई जगह से घबरा ना जाओ। नूरन को भी नहीं भेजा। यही सोचा कि खुदा जाने सुबह सवेरे कमरे का क्या हशर। ये लो, अपनी घड़ी यहीं भूल गए। ये सलाहुद्दीन भी ना, इतनी उम्र हो गई है उनकी, मगर इतनी केयरलेसनेस, इतनी लापरवाही। अरे ऐसी बातें तो तुम्हारी उम्र में जचती हैं, सलाहुद्दीन की नहीं। तुम नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। लग ही नहीं रहा कि तुम एक रात की दुल्हन हो। तुमसे ज्यादा रूप तो सलाहुद्दीन के चेहरे पर था, हालांकि तुमसे उम्र में 32 साल बड़ी है। घर में खुशी हुई है, कोई मुंह मीठा करवा दे। बल्कि तू तो जहर दे दे मुझे, तेरी आंखों में खटकता हूँ ना मैं। मैं क्यों जहर की पुड़िया जाया करने लगी तुझ मरगिल्ले पर? दो दिन कपड़े वापस नहीं आते ना, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि मीरू धोबी लुढ़क गया। अरे अगर मैं लुढ़क गया ना तो तू ही याद करेगी नूर बीबी। एक तू ही तो रह गया याद करने के लिए। रह तो मैं ही गया, तूने कदर नहीं की मेरी। अगर मान जाती ना तो बाल बच्चे होते तेरे। यहाँ क्यों बैठा है? चल भाग यहाँ से। सुना नवाब साहब बड़ी जवान दुल्हन ब्याह कर लाए। मैं सोच रहा हूँ एक ट्राई मैं भी मार लूँ। गुरबत ने यह हाल कर दिया, वरना मेरी और नवाब साहब की उम्र में ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। आए, अगर तू मान जाती ना तो मेरे लिए तो तू भी छोकरी है। अपनी शक्ल देखिए, बुढ़ा घूसट। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। नवाब साहब को देख, कैसे दूल्हा बनकर घूम रहे हैं। वाह वाह, घर में खुशी हुई है, कोई मुंह मीठा करवा दे। अल्लाह नवाब साहब को सेहत दे, लंबी उम्र दे, बेटे दे। तुरन क्या हवेली है आपा, ये तो महल है महल। तुम भी क्या जच रही हो, एकदम परफेक्ट मैच। वो अम्मू ने कहा कि इद्दत की वजह से नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे भेज दिया। तू कैसे आई छोटे? रिक्शे में। वो अम्मू ने कहा था कि गेट से बाहर ही उतर जाना रिक्शे से। ये अम्मू ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन है इसमें, अम्मू ने खास करके डलवाई है। रुको तुम्हारी एक तस्वीर ले लेती हूँ। हजार सवाल करेंगे क्या पहना था,
कैसी लग रही थी, कैसा जेवर था, यहाँ से। पापा ये मोहसिन भाई ने दिया, मैं तो कभी भी ना लाती, पर उन्होंने मुझे अब्बा की कसम दे दी। कल रात को आए थे तुम्हारी रुखसती के बाद, खिड़की से लगे खड़े रोते रहे। पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा होगा इसमें। पापा तुम्हें भी ना बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम बस आराम से यहाँ आयश करो। अच्छा हुआ जान छूटी उस लालची कमीने मोहसिन भाई से। कौन मोहसिन छूटे? क्या राज और नियाज चल रहे हैं बहनों में? अम्मो कैसी है तुम्हारी? मेरा सलाम कहना। और छोटी खाना खा कर जाना। दिलारा छोटी को घर तक छोड़कर आना। नूरी भी बता रही थी कि बेचारी रिक्शे में आई है। वो घर पे गाड़ी ड्राइवर नहीं है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हारे घर में तो है ना दिलारा? अम्मो से कहना कि ये तकल्लुफ ना किया करें। वैसे मीरू धोबी मिठाई मांग रहा था, उसी को ना दे दूं? अम्मो से कहना कि दामाद के लिए मिठाई ना भिजवाया करें, इस उम्र में शुगर का खतरा होता है। आओ छोटी, तुम्हें मैं कमरा दिखाती हूँ। हाँ हाँ, बल्कि पूरा घर दिखाओ। खुदा छोटी के भी ऐसे अच्छे नसीब करें, ऐसी ही हवेली नसीब कर से। तुम्हारे तो ऐश हो गए आपा, और तुम्हारे पास अपना इतना बड़ा एसी है, खूब ठंडा करता होगा कमरा। अरे ये नवाब साहब की तस्वीरें, इसमें कितना अलग लग रहा है, मैं देखूं। बड़े डिफरेंट थे। आपा यहाँ तो इतनी सारी चॉकलेट्स रखी हैं, एक ले लूँ मैं? हाँ छोटी, सारी ले लो। क्या हुआ आपा? कुछ नहीं, वो जरा सा गाजर फैल गया था ना। चलो
मैं नूर बीबी से कह के तुम्हें ड्राइवर के साथ छुड़वाती हूँ। तुम साथ नहीं चल रही? नहीं छोटी, फिर कभी आऊंगी। नवाब साहब ना जाने कब आ जाए, उन्हीं के साथ चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, तुम उन्हीं के साथ आना। वैसे आपा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मोहसिन भाई को भूल गए। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। और देखो, यहाँ आकर तो तुम शहजादी लग रही हो, बिल्कुल शहजादी। चलो छोटी, अपना ख्याल रखना। तुम तो बहुत अरसे से हो ना हवेली में। हाँ, लगता है 100 सालों से रह रही। अब तो मेरा जनाजा ही निकलेगा हवेली से, ना वो कहीं जाने दे और ना मैं जाऊं। वैसे आपने बहुत हौसले का काम किया, इद्दत में लड़की भी आ दी, अच्छा ही किया, फर्ज पूरा हो गया। हाँ, वैसे मेरी दिलारा है बहुत अच्छी, हीरा है हीरा। ये तो सच, ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं? है हर काम में ताक, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। ए बीबी, ये तुम्हारे सगी औलाद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्यों? मैं थोड़ा ही कह रही थी, वो कमबख्त धोबी है ना, वो मीरू कमीना, कहने लगा ये किसी की सौतेली औलाद है जो बाप की उम्र से ब्याह दिया। वैसे मर्द की उम्र कौन देखता है बीबी, मर्द का तो रुतबा देखा जाता है। और वैसे भी नवाब सलाहुद्दीन तो कई जवानों से जवान है। सो तो है बीबी। वैसे भी बड़ी उम्र का मर्द हो तो बीबी का धम बढ़ता है, मोहब्बत से रखता है। हाँ तो है, भूखे को रोटी मिलेगी तो झपटना लेगा क्या? अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ दिलारा, मैं समझी कि तुम शायद घर पर नहीं, छोटी को पहुंचाने गई हो। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। किसी और के ख्यालों में होगी जबी, वरना मैंने तो बहुत बार पुकारा। खैर, मैं तो बस ये कहने आई थी कि सलाहुद्दीन का फोन आया था, कह रहा था कि आधे घंटे में पहुंच जाएगा। मैंने सोचा वो हो ना हो, लेकिन तुम तो दूल्हा से बात करने के लिए बेताब होगी, मगर उसे फोन ही रख दिया। मर्द में कहां सब्र होता है। सॉरी, मैंने वाकई आपकी आवाज नहीं सुनी। अरे, इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है, कल ही तो ब्याह कराई हो, अभी छोटी मिलकर गई है, दिल उदास हो रहा होगा, मैके की याद आ रही होगी। अंधेरा होने वाला है, जल्दी अंदर आ जाना। वैसे खत को फाड़ने से बेहतर होता है उसे जला देना, कोई राख क्या करी देगा, मगर खत के पुर्जों से कहानी बनाना मुश्किल नहीं। और खत भी ऐसा जो मैं कैसे छुप छुपा कर आया। चाहो तो इन बुंदों के साथ सहारे पहन लेना। नवाब सलाहुद्दीन के घर का खानदानी जेवर बहुत वजनी है,
उनकी इज्जत की तरह। दिलारा, मेरे माफी मांगने से भी क्या होगा, तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे। तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत मिट गई है शायद, जब ही एक लम्हे में तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। एक बार भी मेरी मजबूरी और बेबसी का ख्याल नहीं किया। मैंने ही तुम्हें इतना दुख पहुंचाया होगा कि तुम ब्याह कर किसी और के साथ चली गई। जाते जाते मुझे माफ तो कर जाती दिलारा। एक बार मुझसे बात तो करती, मुलाकात तो करती, ऐसे कैसे सब भूल कर तुम। छोटी, दिलारा खुश तो लग रही थी ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही थी आपा अम्मू। तस्वीरों में तो उसकी आदि भी नहीं आई है। क्या गजब का जोड़ा था, ऐसे बहुत से जोड़े हैं उसके पास। मजे से पहनेगी अब रोज। और नवाब सलाउद्दीन? वो नहीं थे, वो कहीं काम से गए हुए थे। और मेरे बारे में कुछ पूछा उसने, कुछ कहा ना? हाँ भाई, आप तो नवाब की बेगम बन गई है, हमें क्यों पूछेगी, बड़ी आदमी बन गई है भैया वो। मैं हर बार तुम्हें चौंका देता हूं। क्या बात है दिलारा, तुम पसीना आ रहा है, तबीयत तो ठीक है? कौन है, आ जाओ। आई आई, इनसे मिलिए। ये हैं छोटे साहबजादे बदरुद्दीन। उनके चेहरे की मासूमियत पे बिल्कुल न जाना, ये वो है, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। जितना मासूम दिखता है उतना ही बदमाश है। आओ। ओह, बड़े साहबजादे, प्रिंस हमारे वली है नवाब शुजाउद्दीन। तुम तो दो दो वली है देने वाली हो मुझे, दो लड़के। तुम्हारी माँ है, सलाम करो। सलाम अलैकुम। हेलो। बदमाश माँ है, सलाम करोगे तो दुआएं करोगे। ओके, आदाब। जीते रहिए। डैडी खाना खा लें। पेटू है, खालिस पेटू। चलो चलो खाते, आओ दिलारा, सब खाना खाते हैं साथ। आओ ना। आओ आओ दिलारा, जरा सी देर कर दी आपने आने में, वैसे जल्दी आने का भी क्या फायदा होता, यहां सबकी जगह फिक्स्ड है।
और अपनी जगह छोड़ने को कोई तैयार नहीं। अपनी जगह तो खुद बनानी पड़ती है। अब यहाँ आइए, मैं बखुशी अपनी जगह छोड़ता हूँ। आओ आओ दिलारा जी। वैसे इतनी खाली जगह है, किसी को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत तो नहीं। मैं बैठता हूँ अपनी खानम के पास, भावा सीट के पास। इसी तरह से अपनी जगह छोड़ते रहोगे तो हर चीज पर कब्जा कर लेगी तुम्हारी सौतेली माँ। आपके होते हुए कोई और कैसे कब्जा कर सकता है खानम? आपका किला बहुत मजबूत है, परेशान ना हो। ये तो वक्त ही बताएगा। बनावटी मोहब्बत जताकर बद्रू को काबू करने की कोशिश की जा रही है। खुदा करे बद्र किसी के तो काबू में आ जाए खानम। नूर बीबी, सालन ज्यादा लोगों में निकाला करें, खाने वाले बढ़ गए हैं इस पर, अब क्या इंतजार करते रहेंगे? और क्या नूर बीबी, कब से इंतजार कर रही है खानम, उम्र गुजर गई इंतजार करते करते। अरे सॉरी खानम, क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? सॉरी, बैठे प्लीज प्लीज। आंख मरी भैया ने। शुजाउद्दीन, यहाँ आपके क्लास फेलोज या हमउम्र नहीं बैठे, फूफो और माँ के साथ रवैये में एहतियात पर तक ही जाए। दिन भर बोर तो नहीं होती रही? मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कैसा हूं मैं? पहले ही दिन अपनी दुल्हन को तन्हा छोड़ के चला गया। क्या करूं, आज कोर्ट ने फैसला सुनाना था, जाना बहुत जरूरी था। लेकिन यकीन करो, सारा दिन मैं तुम्हें याद करता रहा। तुमने मुझे याद किया? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, लो खोल के देखो। अच्छा है, लो बदल पहनाओ। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।